G20 शिखर सम्मेलन जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया और अब चारों तरफ इसकी तारीफ भी हो रही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो कि G20 की सारी लाइमलाइट लूट कर ले गए। दरअसल ऋषि सुनक के भारत आने से लेकर उनकी पीएम मोदी से मुलाकात, अक्षरधाम मंदिर में पूजा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत का अंदाज काफी चर्चा में है। ऋषि सुनक कितने डाउन टू अर्थ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने पहुंचे तो उनके सामने कुछ नौके बल बैठकर बात की। ऋषि सुनक का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। G20 नेता जब राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो इस दौरान ऋषि सुनक शेख हसीना से मिलने पहुंचे। शेख हसीना कुर्सी पर बैठी हुई थी और ऋषि सुनक उनके पास जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उनसे बातचीत करने लगे और इस दौरान सुनक नंगे पैर थे। कई लोगों ने तस्वीर को बेहद प्यारा और आकर्षक बताया है। वहीं इससे पहले अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता सुनक के साथ। वो तस्वीरें भी काफी तेजी से वायरल हुई थी कि किस तरीके से मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे एक आम आदमी की तरह ऋषि सुनक और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं उससे पहले जब भारत पहुंचे थे ऋषि सुनक तो भारत पहुंचने पर उन्होंने यहाँ कुछ बच्चों से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बेहद कूल अंदाज में नजर आए थे ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता सुनक। तो भारत आने से लेकर वापस जाने तक ऋषि सुनक की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस हैं जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन्हें देखकर साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि ऋषि सुनक अपने साथ भारतीयों का दिल लेकर गए हैं।